हेलो गाइस, टेक्निकल प्रॉब्लम 1M में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप किसी भी साइट से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं और आपको अप्रेंटिसशिप का ज्वाइनिंग लेटर चाहिए तो आप उसे कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि जब भी आप अगर ऑनलाइन या गवर्नमेंट के साइट से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको एक आध दो महीने के अंदर में आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, वहां से आप अपना अप्रेंटिसशिप का ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। मगर अगर आप किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ज्वाइनिंग यानी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो हाँ, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो बहुत ही लेट आता है। अगर आपको अपने अप्रेंटिसशिप का रेफरेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है तो आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते कैसे। तो बन रहे वीडियो में एंड तक, ऐसे और टेक्निकल टिप जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर के सर्च बॉक्स में लिखेंगे नेप्स लॉगिन। नेप्स लॉगिन लिखने के बाद आपको ऊपर सबसे ऊपर इशू होगा अप्रेंटिसशिप, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके का आपको डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें और ऊपर इशू हो रहा है आपको लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपने कभी भी अप्रेंटिसशिप किया है तो आप जरूर अपने ईमेल आईडी से मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर किया होगा। तो यहाँ से अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने इसके पहले भी नेप्स में ज्वाइन किया है यानी अप्रेंटिसशिप किया है तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मुझे अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करना है तो मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो हो रहा है कैंडिडेट। कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको इस तरीके का पूरा फंक्शन शो होगा। यहाँ पे शो हो रहा है इंटर योर ईमेल आईडी, यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी और कैप्चर भर के सबमिट करेंगे। कैप्चर भरने के बाद आपको राइट साइड वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम अपने कैप्चर को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे मोबाइल में एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। अगर आपका मोबाइल किसी और नंबर पे रजिस्टर्ड है तो आप अपना जीमेल चेक करेंगे, जिस जीमेल से आपने अभी लॉगिन किया है उस पर आपका 6 डिजिट का ओटीपी आया, 1 टाइम पासवर्ड आया है। आप ओटीपी भरने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इस पेज को आप डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लेंगे, क्योंकि आपको और भी आसान तरीके से पूरा दिख सके। फिर इसके बाद आपको तीसरे नंबर पर शो हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर हमारा सारा डाटा रहेगा, हमने किस कंपनी में काम किया है, हमारी पेमेंट कितनी थी और सारा डाटा यहाँ पर फिल हुआ रहता है। फिर इसके बाद हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो हो रहा व्यू, जैसे ही हम व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर शो हो रहा है डाउनलोड पीडीएफ। तो हमें अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करना है तो हम डाउनलोड वाले पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से हम अपने पीडीएफ को किसी भी ब्राउजर में देख सकते हैं। जो भी आपका अप्रेंटिसशिप में केवाईसी हुआ, जो आपका बैंक अकाउंट ऐड हुआ है, आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी सारा डाटा आपका ऐड हुआ है, इसमें आपको पूरे तरीके से आपका पूरा बायोडाटा शो होगा। इस तरीके से आप अपना घर बैठे ही अप्रेंटिसशिप का ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे और टेक्निकल टिप जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।